दीपिका साहब का सुकून अच्छा है। दीपिका राहुल गांधी जी आए थे भाई जोड़ो यात्रा में, आप लोगों के आशीर्वाद से सहयोग से जो जन सैलाब उमड़ पड़ा था आपने देखा होगा। चार मुद्दे थे, महंगाई का था, बेरोजगारी का था, प्यार मोहब्बत का था और गरीब अमीर की भी खाई नहीं पड़े उसका था। यही भावना खड़गे साहब की, ये भावना हम सब की है। खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद में हिमाचल जीते हम लोग, कर्नाटक जीते, अब पांच राज्यों में चुनाव है। मुझे पूरा यकीन है जो प्यार, जो मोहब्बत, जो विश्वास प्रदेशवासियों को मिल रहा है, सरकार को, सरकार के कामों को, योजनाओं को, कानून हमने पास किए उनको, सामाजिक सुरक्षा को, मैं समझता हूँ कि देश के अंदर राजस्थान पहली बार चर्चा में आ गया। हर राज्य में हमारी स्कीमों की चर्चा होती है, चाहे वो 25 लाख का बीमा हो हेल्थ का, चाहे वो अन्य योजना क्यों नहीं हो, शहरी रोजगार हो, चाहे कामधेनु योजना हो, कोई कमी रखी नहीं है। हर जगह हम लोगों ने महिलाओं का ख्याल रखा है, नौजवानों का, छात्रों का, लंबी फहरिस्त है। आज मीटिंग जो हो रही है, शुरुआत दो बातों से हो रही है, एक तो कैंपेन की शुरुआत भी हो रही है। अभी राहुल जी आए थे जयपुर के अंदर, खड़गे साहब थे, तब भी हमने आह्वान किया था आपको और मुझे कहते घर है। हमारा बजट जो है, जो बाहर जोड़ जाता मुद्दे थे उन्हीं को समर्पित हुआ। आज जो घर घर में चर्चा हो रही राजस्थान में सरकार के कामों की, महंगाई राहत शिविरों की, गारंटी कार्ड की, 7 करोड़ 80 लाख कार्ड आप लोगों के घरों में पहुंच गए हैं और 1 करोड़ 80 लाख परिवार आए थे कार्ड लेने के लिए। मुझे विश्वास है ये जो माहौल बना है उसमें आप सबके आशीर्वाद से इस बार हम कहते हैं कि सरकार बनने जा रही है, बन सकती है, जवाब मिलता है बन सकती नहीं है, बनने जा रही है। कुछ अंदाजा कर लीजिए कि क्या माहौल राजस्थान के अंदर है। आज जो ये मीटिंग रखी है, अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे विशेष मकसद भी है, वो विशेष मकसद है जो राजस्थान के साथ धोखा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनके सिपाही सालों ने, जो केंद्रीय मंत्री है, पानी के मंत्री भी है राजस्थान के, 25 MP राजस्थान के, गीता भेजा। एक काम हमने शुरू नहीं किया था पिछली गवर्नमेंट में, वसुंधरा राजे सिंधिया जब थी मुख्यमंत्री तब शुरू किया गया ERCP का काम, नवनिर्मित बांध 2 लाख हेक्टेयर में तो होगा सिंचाई, 13 जिले में पीने के पानी की योजना है वो, और चंबल कालीसिंध पार्वती नदियों का पानी बहकर के व्यर्थ में जाता है। आप बताइए उस पानी का उपयोग करने का जो योजना बनी थी, आज वादा करने के बाद में भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। लगातार 5 साल हम लोग बोल रहे हैं सरकार की जिद है हम परियोजना घोषित नहीं करेंगे राष्ट्रीय। 16 योजनाएं ऑलरेडी चल रही है देश के अंदर, क्यों नहीं चल सकती योजना, 70 में क्यों नहीं बन सकती है, तो नहीं बना रहे हैं। ये मुद्दा घर घर में पहुंच गया ईस्टर्न राजस्थान के अंदर। अभी मैं 53 बांध जो छूट गए थे उनको मैंने जोड़ दिया है, रामगढ़ बांध को जोड़ दिया मैंने, तो कमी हमारे वक्त फर्क नहीं रही है। बजट मैंने पहले 9,000 करोड़ रखा था, इस बार 14,000 करोड़ कर दिया। तो एक तरफ तो ये भाया बैठा हुआ है, आप बताइए पिछली बार जब है सरकार हम लोग थे ये परमानंद सिंचाई योजना 7,000 करोड़ की, उसको लागू करके रही है, ये भाई की जिद थी। मैंने वादा किया चुनाव में ये योजना पूरी होगी। राहुल गांधी जी आए थे शिलान्यास करने के लिए, मुझे कहते घर है, वो काम हमारे वक्त पर शुरू हो गया। जो वादा किया है तो निभाना चाहिए, मुझे दुख है कहते हुए वादा निभाया नहीं जा रहा है। इसलिए हमने तय किया है, राहुल गांधी जी खुद चाहते थे, ये बड़ा मुद्दा है, खड़गे साहब चाहते हैं, वेणुगोपाल जी
ने यहाँ की मीटिंग करी हमारे साथ में। ईआरसीपी कितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, उसके लिए संगठन महासचिव दिल्ली से आए, बैठ के तय करे कि हमें 13 जिले में कैंपेन जो है उसकी शुरुआत वाराणसी से करनी है। 13 जिले में हम जाएंगे, कहीं मीटिंग छोटी होगी बड़ी होगी, पर गांव गांव में संदेश पहुंचाएंगे कितना बड़ा धोखा राजस्थान के साथ में हो रहा है।